children. How are you all? Hope all are fine. Children, हमने chapter 11 complete कर लिया. Now we are going to do today worksheet of chapter number 11. So children, this is page number 203 and 4 from your workbook chapter number 11. Revision worksheet. Okay. अभी देखो मैम ने आपको ये सब डेली सिखाया है. 5 वीडियोस हमारे बने हैं, पार्ट 1 2 3 4 एंड 5. नाउ टुडे दिस इज आवर रिवीजन. हम देखेंगे आपको कितना आता है ना. सो यू हैव टू डू रिवीजन. नाउ वर्कशीट ऑफ रिवीजन मैच द फॉलोइंग 6 10 एंड 8 वंस. तो क्या होता है 6 और 8 68, 9 10 एंड 7 वंस सो 97. आप कैसे मैच करना है. 8 10 एंड 5 वंस सो यू हैव टू मैच. ओके 85. 5 10s and 8 ones, so 58. 7 10s and 9 ones, so what is that? 79. आपको ये देख के match करना है, okay? Now second question is write down missing number. आपको पता है ना missing number क्या है? 53. So what comes after 53? 54. अब 55 लिखा है, फिर क्या आएगा? 56, 57 लिखा हुआ. अब यहाँ पे लिखा है 64. तो before 64 what is that? 63. Then 65. 66 and 67. इस तरह से आपको ये मिक्सिंग नंबर फिल करना है. 85 है तो व्हाट कम्स बिफोर 85? 84. देन 86, 87 एंड 88. इस तरह से दिस इज 77. आप बताओ 77 से पहले क्या आएगा? 76. तो राइट हियर 76. नाउ 77 एंड 78 इज रिटन. तो नेक्स्ट नंबर इज 79, 80. ओके नाउ दिस इज 91. You have to write 92, 93, 94 and 95. Okay, now the next third question is find and match a number similar to the number given in circle. अब इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा अलग है. सर्कल में जो नंबर दिया है उसको आपको इसमें मैच करना है. यहाँ बीच में आंसर्स है. ओके 52, तो यू हैव टू सर्च 52 किधर, इधर. तो आप इसको मैच करेंगे. 25, सो वेयर इज 25? Here, okay, so match here. Now this is 63, okay. So where is 63? You have to match. 36, then again here we have to match, okay. Now the third one is 60, so see the answer and match. And second number is 70, okay. This is 74. Now 74 will be here, so match it. 47, so 47 either, either. अब इसको मैच करेंगे. दिस इज 86. अब सर्च करो वेयर इज 86 एंड मैच इट. ओके 68, तो ये 68 है. ओके हियर इज 98. अब 98 यहां से सर्च करना है, हमें मैच करना है. 89, तो ये 89. ओके तो आपको ये ऐसे एकदम इजी है वर्कशीट, कोई हार्ड नहीं है. अब हमने हर वीडियो में प्रीसीडिंग नंबर, सक्सीडिंग नंबर और मिडल नंबर. सो नाउ दिस इज द वर्कशीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नंबर्स जस्ट प्रीसीडिंग. व्हाट इज प्रीसीडिंग? बिफोर नंबर, पहले वाला नंबर. ओके नाउ यू कैन सी हियर 67. सो व्हाट कम्स बिफोर 67? अब 6 इज कॉमन, देन 7. तो 7 कैसे आता है? 7 से पहले क्या आएगा? तो 6. तो यहां पे आ गया 66. This is 84. So what comes before 84? 84 से पहले क्या आता है? 83. आपको 1 से लेकर 100 तक figures अच्छे से आना चाहिए. तो before और after and middle number you can do easy. 99. So what comes before 99? 98. 72. What comes before 72? 72. 72. तो 2 से पहले 1 आता है तो 71. 56. अब 56 से पहले क्या आएगा? 6 से पहले क्या आता है? 5. तो 55. अब ये जो लास्ट जो वंस है उससे पहले आपको वो ऐसे देने वाले 7 है. 7 से पहले क्या आता है? 6. दैट विल बिकम इजी फॉर यू. ओके नाउ हियर इज जस्ट सक्सीडिंग नंबर. सक्सीडिंग नंबर का मतलब है आफ्टर नंबर. ओके व्हाट कम्स आफ्टर 58? 58 के बाद 59. नाउ 69. 9 के बाद हमेशा वो चेंज हो जाता है, जीरो आ जाता है. दैट मींस यहां पे 69 के बाद 70. ओके वन नंबर ऐड करेंगे 69 में तो 70 हो जाएगा. 87, सो
96 के बाद 75. ओके, नाउ हियर यू हैव मिडिल नंबर. मिडिल नंबर कैसे है? 62, 64. तो हमको बीच का देखना है, 62, 63, 64, 73, 74 एंड 75. 51-53. तो इसमें क्या होगा? 51-53 तो 52. 86-88 तो bottom half is 67, so 87. 95-97, तो 95 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद 6 होता है, तो 96 and 97. Okay, now this is put round around the greater number. ये ऐसे ही है, circle डालना है greater में और smaller में हमें triangle बनाना है. ये भी हमने every video, in each video we have done this. Okay, circle the greater number and you have to draw triangle shape around the smaller number. Now put circle around the greater number. So 64 hai, 74 hai, which is the biggest, you have to see. So 74, so circle it. 89-98, now which is the biggest number? 89 hai? Nahi, 98 hai na, to isko circle karo. 91 and 90, so which is the biggest? 91. 83 and 82, 83, 2 se pehle 3, okay. 56 and 65, 56 and 65, so 65 bada hai, 50 tak baad 60 aata hai, so 65. Now 70 and 80, so 80 bada hai, say 58 and 78, so circle 78, 86 and 96, so which is biggest? 86 hai kya? No, 96, so circle it. 60 and 70. So which will be the biggest? 70. Correct. 59 and 95. Now here 59 and 95. Some confusing figures are written, so you have to be careful. So 59 and 95, the so biggest is 95. Here put triangle shape around the smaller number. Okay. 63 and 73. Ab iske andar hame kya dekhna hai? Smaller number. तो पहले कौन सा है? 63. तो सर इसको यहाँ पे हम ट्रायंगल शेप बनाएंगे. 87 एंड 78. तो कौन सा है बड़ा छोटा? 87. तो हम है नो 78. तो हम 78 में ट्रायंगल का शेप बनाएंगे. ओके, नाउ 60 एंड 50. 60 और 50 में से कौन सा छोटा है? 50. करेक्ट. तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल शेप बनाना है. 94 एंड 95. So which is the smallest? 94. 55 and 65. Chota kaun sa hai? 65 hai? No, 55 hai. So 55 hai triangle shape. Now 82 and 52. So 52 bada hai? A 82. 82 bada hai. So chota kaun sa hoga? 52. So yahan pe humko triangle shape bana hai. 80 and 90. So which is the smallest? 80. Correct. यहाँ पे 80 smallest में जो पहले आ रहा है. 69 and 96. अब ये देखो कैसे लिखा हुआ है, 69 and 96. तो आपको ध्यान से देखना है. So which comes before 69? तो हम 69 के triangle का shape बनाएंगे. 57 and 75. तो 50 पहले आ रहा है, तो 57 पे. Okay. 76 and 67. तो 70 आता है कि 60? पहले 60. तो 67 को triangle shape बनाएंगे. And this is the worksheet of 2 pages you have to do in your workbook.